हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुप्रिया बाकल, सुप्रियाज किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे मई महीने की तपती धूप में ये कहाँ से बारिश आ रही है लेकिन ये बारिश का पानी नहीं है, हमारी ऊपर जो पानी की टंकी है वो भर चुकी है और मैं यहाँ पर शूट कर रही थी तो वो भरकर ओवरफ्लो हो गई, तो मैंने उसका भी थोड़ा सा शूट ले लिया इसमें वीडियो में। मोटर को बंद करने के बाद भी वो बचा हुआ पानी जो होता है वो गिरते रहता है। और बहुत दिनों से मेरे बैकयार्ड गार्डन में कैमरा नहीं घुमा है, मैंने कोई भी वीडियो हमारे बैकयार्ड गार्डन का नहीं डाला है बहुत दिनों से, तो मैंने सोचा कि बैकयार्ड की ग्रीनरी भी मैं आपको दिखा दूँ। बहुत ग्रीनरी है बैकयार्ड गार्डन में, क्योंकि अभी मेरी तोरई की बेल इतनी बढ़ चुकी है कि पूरा बैकयार्ड गार्डन उसने कवर कर चुका है, कर लिया है, और उस वजह से पूरी धूप, पूरे प्लांट्स पर धूप नहीं आती है, छाया ही आती है। तो फिर भी मैं उस बेल को रहने दे रही हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है, बहुत हरियाली दिख रही है। तो और ये देखिए, ये बहुत ऊपर भी जा चुकी है और इसमें तोरई भी लगे थे, तब मैं इसे शूट नहीं कर पाई हूँ। अब फिर से फ्लावर्स आ रहे हैं, छोटे छोटे तोरई लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये अनार का प्लांट है और हरा भरा मेरा बैकयार्ड गार्डन देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और ये जो आप बड़ा सा प्लांट देख रहे हैं ये मोरिंगा का प्लांट है, ड्रमस्टिक भी बोलते हैं इसे, शेवगा भी बोलते हैं, और मैंने कई बार आपको दिखाया भी है इस प्लांट को। इसमें फलियाँ बहुत लगती है, मैं बहुत इधर उधर बांटती भी रहती हूँ। यहाँ पर कुछ आम के प्लांट्स है, लीची का भी प्लांट है, मैंने ऑनलाइन लिए थे अमेजोन से, पर्पल कलर के आम है, ऑल सीजन मैंगो है, तो वो अभी मैं ग्रो बैग में ही बढ़ा रही हूँ, बाद में रेनी सीजन में लगा दूँगी बड़े पॉट में। और यहाँ देखिए, ये लेमन का प्लांट है, इसमें लेमन लग चुके हैं और ये पहला साल है इसमें लेमन लगने का, तो काफ़ी लगे हैं लेकिन ज़्यादा तो नहीं है। ज़मीन में प्लांट्स होते हैं तो उनका ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता है, उनको ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं होती है, कुछ एक महीने में पंद्रह दिन में ऐसे थोड़ी खाद डालते हैं तो हो जाता है उनका काम, क्योंकि ज़मीन से उनको बहुत कुछ मिलते रहता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये मोटा मोटा सा प्लांट, ये मोरिंगा का प्लांट की स्टेम है नीचे की, और इस पर जो बेल देख रहे हैं आप, ये तोंडले की बेल है कुंदरू की, बहुत ऊपर जा चुकी है ये भी, जैसे जैसे उसको जगह मिलती फैलती जाती है। देखिए, अनार पर गया है और अनार के ऊपर फिर ये मोरिंगा का प्लांट है उसके ऊपर गया है, और ऐसे जाते जाते वो पूरे ऊपर टेरेस पर चला जाता है, और मुझे टेरेस पर से भी कुंदरू तोड़ सकती हूँ मैं ऐसे। और ये बहुत जल्दी जल्दी बेल बढ़ती रहती है, अभी इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं है, तो बाद में जब आएंगे तब फिर से मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने वाटर फीडर बर्ड के लिए रखा है, मैंने हर जगह पर ऐसे वाटर फीडर रखे हैं सभी गार्डन्स में, मैंने ऊपर नीचे बैक साइड में और फ्रंट साइड में, तो मैंने आपको एक वीडियो शेयर भी किया था वाटर फीडर का। ये देखिए, चिली है, चिली छोटी छोटी चिली आती है, ये बहुत ही तेज़ है चिली, दो चिली भी अगर हमने सब्जी में डाल दिए ना तो सब्जी बहुत तीखी हो जाती है, और इसमें हमेशा चिली लगी रहती है। देखिए, ये रेड कलर की हम तोड़ेंगे तो फिर से इसमें फ्लावर आएंगे और फिर से चिली लगेगी। और यहाँ पर नारियल का प्लांट है, मैंने इसी साल लगाया है, देखिए कितना अच्छा बढ़ रहा है। ये कुछ गोभी के प्लांट्स हैं फ्लावर्स के, देखिए बहुत लंबे लंबे बढ़ चुके हैं ये, अभी इनमें फ्लावर्स आने बाकी है। और यहाँ से मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये अरबी के प्लांट्स हैं, देखिए कितने सारे पत्ते हैं, हम इसकी सब्जी भी बनाते हैं। इन मई महीने की धूप में भी मेरे प्लांट्स हरे भरे रहने का एक और भी रीज़न है, मैं हर 15 दिन में इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ अपने प्लांट्स में, या तो गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है या फिर जीवामृत भी मैं हर 15 दिन में अपने प्लांट्स में यूज़ करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, अच्छी ग्रोथ कर रहा है, ये देखिए कितना लंबा हो चुका है, अभी ये प्लांट कुछ ही महीनों का है। और ये दूसरा यहाँ पर कोने में, तो मैं बात कर रही थी जीवामृत की, तो जीवामृत मैंने अभी बनाया भी है,
और जब मैं अपने प्लांट्स पर उसे अप्लाई करूँगी तो उसका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जीवामृत से अपनी मिट्टी पोरस बनने में बहुत हेल्प होती है और उसमें जो जीवाणु होते हैं मिट्टी में वो बहुत ही जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते रहते हैं और आपकी मिट्टी बहुत स्वस्थ रहती है। जीवामृत को कैसे बनाते हैं, उसे कैसे अप्लाई करते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या यूजेस है, वो सब मैं आपको उस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, तो आप वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये देखिए ये बेल पूरी ऊपर जा चुकी है, बहुत सारा एरिया इसने कवर कर चुका है। मैं आपको ऊपर से इसका ओवरव्यू दिखाऊंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से मेरा बैकयार्ड का ओवरव्यू दिखता है ऊपर से। इस वीडियो में मैंने अपने बैकयार्ड गार्डन का आधा ही पोर्शन लिया है, क्योंकि पूरा पोर्शन लेती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए ये मोरिंगा के प्लांट्स के बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मैंने इस पर स्पेशल वीडियो भी बनाया है, इसकी फलियाँ, इसके लीव्स और इसके फ्लावर्स सबको हम खाने में यूज़ कर सकते हैं और इन सब के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। मैंने उसकी लिंक दे दी है, आप चेक कर सकते हो उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने बर्ड वाटर फीडर रखा है। इस प्लांट्स पर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं हमेशा, तो उनको पानी पीने के लिए आसानी से मिल जाए इसलिए। और चलते हैं फ्रेंड्स अभी हम नीचे बैकयार्ड में फिर से। और यहाँ पर देखिए ये बंद गोभी है, बन रही है अच्छे से। देखिए मैं आपको पास से दिखा दूँ ज़रा, देखिए कितनी सुंदर दिख रही है गोभी। और मैं तो सोच रही हूँ कि इसे हम जैसे कि शो के प्लांट्स लगाते हैं उस तरह से इस गोभी को रखना चाहिए। यहाँ कुछ और भी है गोभी के प्लांट्स, इसमें भी गोभी अभी बन रही है। मेरे पास गोभी के प्लांट्स बहुत सारे हैं, टेरेस पर भी मैंने बहुत सारे लगा रखे हैं और मैंने अभी अभी पौध भी तैयार करके रखी है, मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। मई महीने में भी मैंने अभी गोभी की पौध लगाई है। मैं हर महीने में 10-15 गोभी के पौध लगाती हूँ ताकि हमें लगातार मिलते रहे। और ये देखिए ये फ्लावर का प्लांट, देखिए कितना अच्छा फ्लावर लगा है इसमें। अभी हमने बहुत सारे फ्लावर्स हार्वेस्ट भी किए हैं लेकिन अभी फ़िलहाल ये एक ही बचा है, बहुत ही हेल्दी है और पूरा ऑर्गेनिक। फ्लावर के प्लांट्स अभी छोटे हैं, उनमें फ्लावर्स नहीं बने हैं अभी। और यहाँ पर देखिए ये बैंगन लग रहे हैं छोटे छोटे, उसके पीछे पाइनएप्पल के प्लांट्स हैं और ड्रैगन फ्रूट्स के। और फ्रेंड्स मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैंने काली हल्दी के कुछ बल्ब लिए थे तो वो मैंने लगाए हैं और उसमें ये फर्स्ट टाइम ही लगाए हैं मैंने, और उसमें जो लीव्स आने हैं ना तो वो उसमें बहुत टाइम लगता है, एक महीना तो हो चुका है मैंने उसे लगाए हुए, लेकिन अभी मुझे थोड़े थोड़े पोर्स ऐसे दिख रहे हैं कुछ रेड कलर के और उसमें लीव्स आने शुरू हो रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी काली हल्दी के प्लांट्स अब तैयार हो जाएंगे मेरे घर में। तो वैसे अपनी खाने वाली हल्दी तो मैं हमेशा लगाती हूँ लेकिन ये काली हल्दी मैंने इस बार ही लगाई है। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियों के बीज लगाए हैं और ये जो छोटे छोटे सूखे पत्ते देख रहे हैं आप, ये मोरिंगा के पत्ते हैं, बहुत ही गिरते रहते हैं पूरे गार्डन में पूरा दिन। यहाँ पे गोभी की पौध लगाई है मैंने, छोटे छोटे प्लांट्स में लगाती ही रहती हूँ, हर बार मैं कुछ ना कुछ लगा देती हूँ और मुझे चाहिए होते हैं प्लांट्स, तो मेरे गार्डन में मुझे ग्रीनरी चाहिए होती है तो मैं साल भर कोई ना कोई प्लांट्स लगाती ही रहती हूँ और बस उसे ग्रो करती रहती हूँ, तो इस वजह से मेरे प्लांट्स कभी भी मेरा गार्डन खाली नहीं रहता, भरा भरा ही रहता है। जब भी कोई प्लांट बेल सूख जाती है तो उस जगह पर मैं दूसरी बेल लगा देती हूँ। तो ये आपके लिए भी टिप समझिए कि साल भर अपने प्लांट्स लगाते ही रहना है और कोई जगह खाली मत रखना है, मिट्टी को कभी भी खाली नहीं रखना है। मिट्टी अगर आपको खाली दिखे तो आप प्लांट्स लगा दीजिए, आपका गार्डन हमेशा हरा भरा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप महंगे महंगे पौधे ही मार्केट से लाकर खरीद कर लगाएं,
आपके घर में भी बहुत सारे बीज होते हैं, वो बीज लगा सकते हैं, उससे आपको फ्रूट्स भी मिलते हैं, वेजिटेबल्स भी मिलेंगे और आपके गार्डन में ग्रीनरी भी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।